सबका धन्यवाद है सभी प्रेस के लोगों का। आज 26 तारीख है और आज का ये रखा गया प्रोग्राम के हर गवर्नर को पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जाएंगे। बहुत जगह उनको ज्ञापन दिए गए, बहुत जगह शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें ज्ञापन दे दिए, बातचीत हुई। कुछ जगह अभी देहरादून के अंदर कुछ लोग हमारे अरेस्ट वहाँ पर करेंगे, ज्ञापन उनका नहीं दिया गया, जाके चलने के लिए तो वहाँ पे उनको अरेस्ट करा गया। दिल्ली में भी यहाँ से ये कहा गया कि दिल्ली के लोगों से हम एलजी से बातचीत करवाएंगे, उनसे धोखे में हमारे लोगों को रखा गया, उनको पुलिस की कस्टडी में ले जाया गया और 7-8 लोगों को अलग अलग जगह, उनको दूसरी जगह पे छोड़ा गया। ये लोकतंत्र की हत्याएं हैं। ये इसीलिए आंदोलन 7 महीने हो गए। ये सरकार जो बात कहती है वो करती नहीं, क्या इस पे विश्वास करा जाए? ये पूर्ण रूप से झूठ कहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और बात हमको कर लो। गवर्नर का जो सैद्धांतिक पद है, गवर्नर सबके हैं और उसके बाद भी उससे सिर्फ बीजेपी के लोग मिल सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा गया संविधान में। ये जिस पार्टी की सरकार होगी वही उससे मिल सकते हैं। हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पर नहीं मिलने गया। और अभी भी युद्धवीर सिंह जो जनरल सेक्रेटरी हैं अपने, वे वहाँ पे हैं, सिविल लाइन पुलिस के सामने वहाँ बैठे हुए हैं थाने के वहाँ। या तो उनको गवर्नर साहब से मिलवा जाए, जो एलजी है उनसे मिलवा जाए। ऐसे ही देहरादून में हमारे जो लोग हैं, या तो मिलवा जाए, उनसे ज्ञापन दिलवा जाए, उनको छोड़ा जाए। ऐसे ही दिल्ली में है, नहीं जाएंगे तो हम पूरे देश में सख्त प्रोग्राम हम अपना और ज़्यादा करेंगे। हम यहाँ से भी सुनो सख्त प्रोग्राम अपना करेंगे, यहाँ से भी हम दिल्ली की तरफ कोच करेंगे, या तो उनको वहाँ पे ज्ञापन उनका दिलवा जाए वहाँ पे। ये एक अन्याय है जो लोकतांत्रिक कंट्री में कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जब अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन भी ना जा सकता हो तो किस तरह की सरकार है? इसलिए अगर का जवाब देना पड़ेगा सबके, तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, तैयार हैं और इनके खिलाफ ये कार्रवाई हम और करते रहेंगे। आप दिल्ली कुछ कब करेंगे? ज्ञापन देहरादून में और अभी दिल्ली में, दो जगह के ज्ञापन नहीं लेंगे। पुलिस ने उनको अलग अलग जगह पे लोग पकड़ा, अलग अलग जगह पे छोड़ दिया। हिरासत में है उनका ज्ञापन लो आप। ऐसे नहीं होगा कि आप ज्ञापन ही नहीं लोगे, ये तो देश में पहली बार हुआ कि ज्ञापन ही नहीं लोगे। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नर भी बीजेपी के ही होंगे। गवर्नर तो देश के हैं, जनता के हैं, वे सबके हैं, उनको अपनी बात कहने का सबका अधिकार होता है। वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में हम दे देंगे, उनसे टाइम हमने लिया गया, तो इसका मतलब झूठ बोला गया है। नहीं नहीं, वर्चुअल भी नहीं वे करवा रहे, नहीं करवा रहे वर्चुअल, वो मीटिंग भी नहीं है। नहीं नहीं, सबको पता था। क्या गवर्नर भी बीजेपी की बाधा बोल देगा? उनको तो नहीं बोलनी चाहिए, हमारी लड़ाई प्रशासन से है। क्या इस बात की कोई जानकारी है कि दो जगह को ज्ञापन नहीं लिया है, कारणों से नहीं लिया है? ये नहीं पता, वो तो प्रशासन बताएगा। जैसे दिल्ली में भी एलजी के वहाँ गए, उस स्टेशन से लोग पकड़ा और उनको कहा कि गवर्नर साहब के वहाँ जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों में बैठा के उनको अलग अलग जगह उनको छोड़ देगा। लेकिन वहाँ से दोबारा फिर युद्धवीर सिंह आ गए और सिविल लाइन जहाँ मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे ही वे धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से तो बातचीत जब होगी, जब सरकार बात करेगी, सरकार अभी बात करके आ रही है। पूरा 7 महीने, नहीं पूरा 7 महीने होंगे सरकार कोई बातचीत नहीं। आज भी तो नरेंद्र सिंह से बात करूँ, आज भी तो नरेंद्र सिंह
उमर का कहना है और कि हम बात करना चाहते हैं। नहीं 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 बात का कई बार आपको बाद में किसान बात करने से बात करनी है। मोदी सरकार की फसल बीमा योजना से किसानों को कितना लाभ हुआ? इधर देखो कहाँ लाभ हुआ, लाभ तो सरकार कह रही है कि फसल बीमा का लाभ है। वो तो झूठ बोल रही सरकार। आप सरकार से बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं सरकार से बात करवाओ है। अगर अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा, चलो ठीक है, एल जी नहीं मिले नहीं वो पता। अगला मूवमेंट चल रहा, हमारा मूवमेंट चल रहा और मूवमेंट को तेज करेंगे हम पूरे देश भर में करेंगे। कोविड की गाइडलाइन खत्म होगी तो हम पूरे देश में मूवमेंट को तेज